शाम यानी 25 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर की ASI रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अयोध्या की तरह ही यहाँ भी हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक की और इसे लेकर कई बड़े दावे किए। इस रिपोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। कुल 839 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 25 जनवरी को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला जज के नकल विभाग कार्यालय ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद की ASI सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को लेकर विष्णु शंकर जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कई बड़े दावे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि बाबा मिल गए हैं। सर्वे रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये भी पता चल गया है। अब हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। देखिए, ASI ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे ASI ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खम्भे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खम्भे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो ASI ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली ASI ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। जी, ये कोई पत्थर भी मिला है जो बताया कि जैसे जी मैंने वही बताया कि एक पत्थर मिला था वहाँ पे जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया है और हम उस समय सर्वे के दौरान थे। वो आधा टूटा हुआ पत्थर वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है और उस पत्थर में ये स्पष्ट रूप से मेंशनड है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है और उस पत्थर का ओरिजिनल ASI के पास 1965 में था जिसकी ASI ने फोटोग्राफ भी खींची थी। कई भाषाओं में कुछ लिखा हुआ मिला है? मैंने बताया आपको कि तेलुगु, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं, वो सब भी ASI ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर। सर, ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। अच्छा, इसका इस ये एविडेंस का क्या मतलब, कहाँ पे आप दिखाएंगे इस ASI की जो एविडेंस? ये जो एविडेंस है बहुत बेनिफिशियल एविडेंस है। कहाँ दिखाएंगे? अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में ही दिखाएंगे क्योंकि ट्रायल यहीं पे चल रहा है और उसके बाद जब आगे मामला यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा तो आगे हायर कोर्ट में भी इसको पढ़ा जाएगा। कोई डेट भी है जिसमें ऑब्जेक्शन के लिए? 6 फरवरी निर्धारित की गई है। मुस्लिम पक्ष तो लिंगर करेगा ही, जैसा कि अब देखिए मुस्लिम पक्ष क्या करेगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ। जो अभी तक की लीगल प्रक्रिया और जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं मैं उसके बारे में ही आपको ब्रीफिंग कर सकता हूँ। पिलर की भी बात है जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया था उस पर मैंने आपको बताया कि मैंने वही बात आपको बताई कि ASI ने कहा है कि वहां पे हिंदू मंदिर के पिलर थे और उसी पिलर्स में से इमेजेस वगैरह हटा के उसका इस्तेमाल किया गया इस तथाकथित मस्जिद के लिए। ASI रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के खंभों को हल्का फुल्का बदलकर नए ढांचे में उपयोग किया गया है। साथ ही खंभों से नक्काशी मिटाने का भी प्रयास किया गया है। 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को ASI ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए। बुधवार 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।